हेलो एवरीवन, मैं हूँ संजय। आपके फेसबुक पर कोई भी एक वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया है, तो वही कॉपीराइट क्लेम वाला वीडियो को आप कैसे डिलीट करोगे? मतलब यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम वाला वीडियो को डिलीट करना है, कॉपीराइट क्लेम को हटाना नहीं है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे आप कैसे कॉपीराइट क्लेम वाला वीडियो को डिलीट करोगे। अगर आप चाह रहे हो कॉपीराइट क्लेम को हटाना है, तो मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख लेना कॉपीराइट क्लेम को कैसे रिमूव करते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। तो फिलहाल हम देख लेते हैं आपका कॉपीराइट क्लेम वाला वीडियो को कैसे आप डिलीट करोगे। तो वीडियो को आपको कम्प्लीटली वॉच करना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में बेल आइकन को भी ऑल कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो आपको ओपन करना है आपका फेसबुक अकाउंट। ओपन करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। इधर आपको देखना है सपोर्ट एंड इनबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको योर एड्रेस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो दोस्तों, जिस वीडियो पे आपका कॉपीराइट क्लेम आया है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स भी मिल जाएगा किस जगह पे आपका कॉपीराइट क्लेम आया है, मतलब आपका कोई म्यूजिक पे आया है या आपका वीडियो पे आया है, तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो वही वीडियो पे आपको क्लिक करना है। तो मेरा ए वाला वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके देख लेता हूँ कॉपीराइट क्लेम किस रीजन से आया है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सी डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने और एक पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरा जो वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया है, किस रीजन से कॉपीराइट क्लेम आया है, म्यूजिक पे भी आया है, वीडियो पे भी आया है। यहाँ पे देख सकते हो आप, आपका भी वीडियो पे ऐसा ही कुछ दिखाया, तो आप ध्यान से देख लेना। यहाँ पे फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक और न्यू पेज ओपन हो जाएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है फिर से। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपको दिखाएगा, एक्सेप्ट चेंज, सबमिट डिस्प्यूट और रिमूव योर वीडियो। ठीक है ना, आपका कोई भी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया है तो आपको जल्दबाजी करके वीडियो को डिलीट नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट चेंज, तो इसका मतलब है आपका वीडियो पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम आया है तो इसका रीजन, कोई भी रीजन से आपका कॉपीराइट क्लेम आया तो आप मानते हो आपने गलती की है, तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट चेंज करना है। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट पे आते हैं सबमिट डिस्प्यूट। तो इसका मतलब है आपने कोई गलती नहीं की है, मतलब आपका जो कॉन्टेंट है जिस टॉपिक पे ऊपर आपका कॉपीराइट क्लेम आया तो शायद गलती से आ गया है, तो आपका, आप मानते हो आपका जो वीडियो है वो सही तरीके से आपने बनाया, किसी का चुराया नहीं है, किसी का कॉपी करके पेस्ट नहीं किया, आपने खुद ने उस वीडियो को बनाया है, तो वही वीडियो का ओनर आप ही हैं, तो यहाँ पे आपको डिस्प्यूट करना है। तो इसके बाद आते हैं रिमूव वीडियो। तो यहाँ पे आप रिमूव वीडियो कर देते हो तो आपका जो वीडियो है वो रिमूव हो जाएगा, तो आपका जो जितना भी मैटर है सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और कोई भी कॉपीराइट क्लेम या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा और आपका जो कॉपीराइट क्लेम आया है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे रिमूव वीडियो करना है, तो यहाँ पे रिमूव वीडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे डिलीट वीडियो पे आपको क्लिक करना है। ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने और एक ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, थोड़ा लोडिंग चलेगा। लोडिंग चलने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो वीडियो रिमूव किया है यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बैक आ जाना है, फिर से आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे सपोर्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे यूअर अलर्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आप, मेरा जो कॉपीराइट क्लेम आया था वो रिमूव हो चुका है। तो आप भी ऐसे करके आपका कॉपीराइट क्लेम आप भी डिलीट कर सकते हो। तो जिस वीडियो पे आपका कॉपीराइट क्लेम आया है वही वीडियो को आप ऐसे तरीके से डिलीट कर दोगे तो आपका जो कॉपीराइट क्लेम आया है वही कॉपीराइट क्लेम आपका रिमूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे करके आप भी आपका कॉपीराइट क्लेम रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों आपको हुडट करके आपका वीडियो डिलीट नहीं करना है। मैंने आपको जैसा दिखाया ऐसे तरीके से ही आपको डिलीट करना है, तो आपका कॉपीराइट क्लेम रिमूव हो जाएगा। फिर से भी आपका कॉपीराइट क्लेम रिमूव नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट करो। दोस्तों चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में बेल आइकन को भी ऑल कर लो। वीडियो आपका अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना।